अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सैलरीज़ के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जी। ओमान में वक्त पर सैलरी नहीं मिलती, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट को भी कंप्लेन करते हैं, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इन तमाम शिकायत से निपटने के लिए एक नया कानून बना दिया है, और एम्प्लॉय जो है वो भी कंप्लेन कर सकेगा, एम्प्लॉयर जो है जो सैलरी देने वाला है उसके भी लॉ लगेंगे। और गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन का ऑलरेडी अंदिया दिया हुआ है, बल्कि जिन लोगों ने ईद पर लास्ट मंथ सैलरीज वक्त पे नहीं दी थी 18 अप्रैल तक, उनको भी जुर्माने हुए। बहरहाल सीन क्या है कि आज 8 मई 2023 सोमवार का दिन है। कोरोना के दौरान से ये सिलसिला शुरू हो गया था। कई कई महीनों की सैलरी उससे पहले भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, अभी तो इंतहा का इजाफा हो चुका है। सैलरी वक्त पे नहीं मिलती, पूरी नहीं मिलती, कई कई महीनों की सैलरी पेंडिंग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नया सिस्टम मुतारफ करवा दिया है, आप ऑनलाइन जो है कंप्लेन करेंगे। और ये भी कि जो भी गिवन डेट्स हैं, जो भी आपके साथ एग्रीमेंट है कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि जी ये डेट्स में उनको सैलरी हर हाल में मिल जाएगी, अगर उस दौरान उनको नहीं मिलती उसके बाद भी 7 दिन होंगे उनके पास विद इन, यानी आज लेट्स सपोज के 1 हफ्ते तक का टाइम है, 1 से 7 तारीख तक जो है हर महीने की पहली 7 दिन जो है वो, अगर उनमें सैलरी नहीं देते तो अगले 7 दिन के अंदर भी अगर वो दे देते हैं तो बच जाएंगे, वरना एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ मैनपावर के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, और फिर क्या होगा गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ठीक है, तो कंपनियों के लिए भी कह लें कि एक चेतावनी है, और वर्कर्स के लिए थोड़ी सी सहूलत है कि जी वो शिकायत कर सकेंगे। अब उस शिकायत को हिडन रखा जाता है, अगर तो दो दो चार चार लोग हैं तो फिर तो वो कंपनियां उनके ऊपर नाराज़ होंगी, यानी अगर किसी की कोई शिकायत करता है तो डेफिनेटली वो खुश तो नहीं होगा। बहरहाल क्या है कि जो अच्छी कंपनियां वो तो इसको 200% फॉलो करेंगी, जो बाकी लोग हैं अरबाब शबाब ये वो, उनके मतलब जो है फिर वो वर्कर्स के साथ मजीद नाइंसाफियाँ करेंगे कि जी अच्छा दसते हैं तुम जड़ा ना कंप्लेन कर दो शिकायत कर दो असी थानू सुखाने हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी हैं, लोग फेस कर रहे हैं। हमें भी कुछ वीडियोज़ आई थी, वो बंदा अपने अरबाब के साथ गया जी, फोरमैन हमारे साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो उसने उसको मारा पीटा, बाद में खैर उनका मामला रफा दफा हो गया, लेकिन बहुत सारी शिकायतें ये सैलरीज वाली स्पेशली, और जिन लोगों को कई कई महीने की नहीं मिलती आप सोचें हाउ दे सर्वाइव। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस कानून के ऊपर कितना अमल दरामद होता है, वर्कर्स को जो राइट्स हैं वो वाकया ही पूरे मिलते हैं, ऑन टाइम सब कुछ होता है या नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और शिकायत करने से पहले आपने जहन में रखना है कि आपके ख़िलाफ़ आपका अरबाब कंपनी स्पॉन्सर जो है वो मज़ीद कुछ सख्तियाँ कर सकते हैं। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़। त्या गर्मी ने वेको की हाल करता है, जज़ाकल्ला। एसी में सीधा नहीं कर रहा, माइक च हवा आएगी तो वो तुसी कहना उस्ताद जी सानू कि सजा देती, जज़ाकल्ला।